IMF की शराइत अवाम के लिए महंगाई का नया झटका। यकम अक्टूबर से गैस 200% महंगी करने की तैयारियां। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी करने की तजवीज़। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स्ड महाना चार्जेस 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये किए जाएंगे। पेट्रोलियम डिवीजन का प्लान। गैस की कीमतों के साथ लोड शेडिंग का शेड्यूल भी आ गया। सर्दियों में सिर्फ 11 घंटे गैस मिलेगी। खवातीन को नाश्ते के लिए सुबह सवेरे उठना होगा। सुबह 5:30 से 9 बजे तक चूल्हा जलेगा। दोपहर 11:30 से 2 बजे तक गैस मिलेगी। रात की रोटी पकाने के लिए शाम 5:30 से 10 बजे तक का वक्त मुकर्रर। बाकी औकात में चूल्हे नहीं सिर्फ दिल ही जलेंगे। गजा पर इसराइली बमबारी के बाद हालात मजीद खराब हो गए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1100 से तजावुज कर गई। हमलों में अक्वामे मुत्तहिदा के 9 मुलाजमीन भी मारे गए। इसराइली जारहियत के बायस हर तरफ तबाही। इसराइली फजाया और बहरिया की बमबारी के बाद इसराइल ने गजा में जमीनी ऑपरेशन के लिए 3 लाख रिजर्व फौजी सरहद पर भेज दिए। गजा में बेघर अफराद की तादाद 2,60,000 से ज्यादा हो गई। हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 हो गई। दर्जनों यरगमाल बना लिए गए। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इसराइल फलस्तीन तनाजे पर इजलास आज होगा। इससे कबल 15 रुकनी सलामती काउंसिल का इतवार को भी बंद कमरे में इजलास हुआ। इजलास में अराकीन के दरमियान शदीद इख्तलाफात सामने आए थे। मशरिक़े वुस्ता की सूरत हाल पर वाशिंगटन में अहम इजलास। अमरीकी सदर जो बाइडन की इसराइली सदर नेतन्याहू से टेलीफोन पर गुफ्तगू। सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ने इसराइल को हर किस्म की इमदाद की यकीन दहानी करा दी। गजा में मजलूम इंसानों के साथ ख्वाबों का भी कत्लेआम। मरते ख्वाबों की कहानी ने सुनने वालों के कलेजे काट डाले। गजा के बच्चे की पक्की दोस्ती टूट गई। दोस्त बिल्ली मर गई। घर के सारे अफराद शहीद और दुकान तबाह होने पर नौजवान दुनिया को अपना गम सुनाता रहा। हर तरफ आग और खून, लाशें और जख्मी। जाएं तो जाएं कहां, खवातीन बच्चों को लिए सड़कों पर आ बैठी। लाशें उठा उठा कर थक जाने वाले पैरामेडिक्स के दिल भी डूबने लगे। आर्मी पब्लिक स्कूल लाहौर के तलबा का जिना हाउस का दौरा। तलबा का सानहा 9 मई पर गम और गुस्से का इजहार। कहा कि 9 मई के वाकयात काबिल मजम्मत हैं। जिम्मेदारान को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के मुल्क छोड़ने के लिए 19 रोज बाकी। हुकूमती हुक्म पर गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। पाक फौज और पुलिस एहलकार अफगान शहरियों को बाहिफाजत पहुंचाने के लिए फराइज सर अंजाम दे रही हैं। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। पाक वतन की मिट्टी में अनगिनत शहदा का खून शामिल। शहदा में एक सिपाही वारिस अली भी हैं। 31 अगस्त 2023 को बनू के इलाके जानी खेल में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की अलल सुख मजार बीबी पाक दामन पर हाजिरी। वज़ीर-ए-आला ने तौसीई प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। तज़ीनो आराइश और तौसीई मंसूबे पर पेशरफ का भी जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मजार बीबी पाक दामन को कुशादा करने के लिए जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का रात गए लाहौर में अकबर चौक फ्लाईओवर मनसूबे का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि फ्लाईओवर की तामीर के लिए 24 घंटे काम होता है। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। शेखोपुरा में सरगोधा रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला। बाईपास पर पुलिस मुकाबले में 5 डाकू हलाक। मुलजिमान के साथियों ने पुलिस वैन पर फायरिंग की। डीपीओ पुलिस का कहना है जेरे हिरासत मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मुलजिमान ने 1 माह कबल दौरान डकैती 2 बहनों को जिंसी ज्यादती का निशाना बनाया था। मियांवाली में मारूफ फोक गुलकार शराफत अली खान की गाड़ी नहर में गिर गई। गाड़ी में मौजूद शराफत अली खान 7 साथियों समेत जाम भाग। लाशों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
खैरपुर में मुसाफिर वैन और कार में तसादुम, 7 अफराद जां बहक, कई जख्मी। जख्मियों को सखर और खैरपुर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुसाफिर वैन सखर से खैरपुर जा रही थी। मोदी के हिंदुस्तान में सच बोलने वाले सहाफी गद्दार और दहशत गर्द करार। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2010 तकरीर केस में अरुंधति रॉय के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। अरुंधति रॉय ने हमेशा से ही मोदी सरकार को आईना दिखाया। भारतीय मुसनफा कश्मीर से मुतलिक हकाइक मंजरियाम पर लाने के बायस मुबैना गद्दारी और बगावत के मुकदमात का सामना रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम कर ली। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जायज करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तें मुस्तरद। अजखुद नोटिस का फैसला 3 सीनियर जजेस की कमेटी करेगी। सजा के खिलाफ अपील की जा सकेगी। एक्ट का इतलाक माजी के केसेस से नहीं होगा। अपील के हक में 9 और मुखालफत में 6 जजेस ने फैसला दिया। अजखुद नोटिस कमेटी पर 10 जजेस का हक में फैसला। कमेटी से मुतालिक 5 जजेस ने मुखालफत में फैसला दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। जियो और जीने दो। पार्लियामान हमारे दुश्मन नहीं, हम मनफी सोच से क्यों देखते हैं। हम आईनी इदारे पार्लियामेंट में मेन निकाल रहे हैं। एक जाबिर ने आईन में तरमीम कर दी तो कोई नहीं बोला। चीफ जस्टिस के दौरान समाप्त में रिमार्क्स, कहा पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी तो सवाल हो रहे हैं। पार्लियामेंट ने इस कानून से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी। नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापसी का सफर शुरू। लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। एवान फील्ड के बाहर कारकुनान ने पार्टी कायद को अलविदा किया। नवाज शरीफ एक हफ्ता सऊदी अरब में कयाम करेंगे। वतन वापसी से पहले 2 दिन के लिए UAE जाएंगे। खसूसी परवास उम्मीद पाकिस्तान से 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। बहरानों से मिलकर निमटने पर दोनों रहनुमा मुत्तफिक। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नवाज शरीफ और उनके खानदान को नाहक सताया गया, ये तारीख का स्याह और अफसोसनाक बाब रहेगा। नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी से सियासी और जमहूरी निजाम मजबूत होगा। अवाम के वोट से नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। मरियम नवाज को पूरा यकीन। पार्टी अहदेदारों से गुफ्तगू में कहा कि अवाम परेशान है, इसीलिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। मुश्किलात से कैसे निकले हल बताने आ रहा है। इस बार भी पाकिस्तान को ठीक करके दिखाएगा। गरीबों का साथी और हमदर्द सिर्फ नवाज शरीफ है। आलमी कप के लिए हुक्मरानी की जंग। क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट के दौरान ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका आज टकराएंगे। वर्ल्ड कप के 10वें मैच में दोनों टीम्स लखनऊ के अकाना स्पोर्ट्स सिटी क्रिकेट स्टेडियम में 1:30 बजे इन एक्शन होंगी। गुज़श्ता रोज भारत ने अफगानिस्तान को बाआसानी शिकस्त दे दी। 273 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा की सेंचुरी, 84 गेंदों पर 131 रन की बर्क रफ्तार इनिंग खेली। और वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला। पाकिस्तान और भारत 14 अक्टूबर को आमने सामने होंगे। कौमी टीम भारतीय शहर अहमदाबाद पहुंच गई। अहमदाबाद होटल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। टीम के होटल पहुंचने पर फनकारों ने रवायती रक्स भी पेश किया। पाकिस्तान टीम चार्टर्ड फ्लाइट से हैदराबाद से अहमदाबाद पहुंची।